दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहन भाई के ऊपर। सिंचन को मिलती है एक लड़की जिसे सिंचन अपनी बहन बना लेता है। फिर वो दोनों बहुत ही खुश रहते हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। उन दोनों के बीच ऐसा कुछ होता है कि वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोग मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अरे ये क्या, बारिश तो रुकी नहीं रही है, कब से हो रही है, ऐसे तो पूरे शहर में पानी भर जाएगा। अरे ये दीदी बारिश में क्यों भीग रही है? मम्मी पापा आप लोग मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? अब मैं आप लोग के बिना कैसे रहूंगी? अरे दीदी क्या हो गया, आप क्यों रो रही हो? और आपके मम्मी पापा आपको छोड़ के कहाँ चले गए? आप रोना बंद करो, प्लीज चुप हो जाओ। मेरा नाम पिंकी है, मेरे मम्मी पापा को कोरोना हो गया था जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो गई और वो मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मैं क्या करूँगी? मैं भी जीना नहीं चाहती, मुझे उन दोनों की बहुत याद आती है। अरे दीदी ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ, कोरोना की वजह से आपके मम्मी पापा दोनों आपको छोड़ के चले गए। ये सुन के तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। अगर मुझे इतना बुरा लग रहा है तो आपको कितना बुरा लग रहा होगा? लेकिन आप टेंशन मत लो, आप मेरे साथ रह सकते हो दीदी। क्या कहा, तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? हाँ दीदी मुझे पता है कि आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आपकी ये दुख भरी कहानी सुन के मुझे बहुत ही दुख हुआ है। इसलिए दीदी मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और मैं आज से आपका छोटा भाई हूँ दीदी, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से रह सको। देखो तो सही बाहर कितनी बारिश हो रही है। भले ही दीदी अब आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आज से आपका ये छोटा भाई है, मैं ही आपका ख्याल रखूंगा दीदी, चलो आप मेरे साथ चलो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता और तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे दीदी इसमें शुक्रिया कैसा, आपका दुख मुझसे सहा नहीं गया दीदी, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया दीदी। चलो अब हम घर पे चलते हैं, बहुत बारिश हो रही है, आप बीमार पड़ जाओगी दीदी। ये देखो दीदी हम लोग मेरे घर पे पहुँच गए, अच्छा हुआ कि बारिश रुक गई, वरना तो पूरा शहर पानी में ही डूब जाता। चलो दीदी आ जाओ, मैं आपको मेरे फ्रेंकल भैया से मिलाता हूँ। फ्रेंकल भैया, फ्रेंकल भैया, अरे फ्रेंकल भैया आप कहाँ हो? अरे वो रही फ्रेंकल भैया, फ्रेंकल भैया देखो मैं किसको अपने साथ में लेके आया हूँ, इनसे मिलो, ये है पिंकी दीदी। पिंकी दीदी अब ये कौन है सिंचन? बताता हूँ फ्रेंकल भैया, अभी जब मैं घर पे आ रहा था ना तो रास्ते में मुझे ये दीदी मिली, ये बारिश में बहुत भीग रही थी और बेचारी बहुत रो रही थी, क्योंकि फ्रेंकल भैया आपको पता है इनकी मम्मी पापा गुजर गए हैं और वो भी कोरोना की वजह से, इनकी मम्मी पापा को कोरोना हो गया था जिसके कारण अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और ये बेचारी अकेले सड़क पे भटक रही थी, तो मैंने इनकी मदद की और इनको घर पे लेके आ गया। आज से मैं इनका छोटा भाई हूँ फ्रेंकल भैया और मैं इनका ख्याल रखूंगा। अरे वाह सिंचन तूने तो कमाल ही कर दिया यार, तूने इनकी मदद करके बहुत ही बढ़िया काम किया सिंचन, मेरा सीना तो गौर से चौड़ा हो गया सिंचन। हाँ सिंचन तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, वहाँ से कितने लोग जा रहे थे पर किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि इस लड़की की मदद कर दूं, लेकिन तुम ही एक थे जिसने मेरी मदद की सिंचन और मेरे दुख को समझा और मुझे अपने घर पे लेके आ गए सिंचन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे दीदी आप मुझे शुक्रिया मत बोलो, जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया, अब आप खुश रहो, आपकी नई जिंदगी शुरू हुई है, इसलिए अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो दीदी। हाँ सिंचन ठीक है।
दीदी मैं चलता हूँ, आप अच्छे से पढ़ाई करना ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। शिनचैन तुम मेरे लिए कितना कर रहे हो, पहले तो तुम मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी और फिर अब मुझे तुम पढ़ा भी रहे हो। शिनचैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे दीदी इसमें शुक्रिया कैसा, पढ़ना लिखना तो हर किसी का हक होता है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब बस आपका थोड़ा ही टाइम बाकी है, फिर तो आपका कॉलेज भी खत्म हो जाएगा दीदी। हाँ शिनचैन तुमने बिल्कुल सही कहा, अब बस थोड़ा ही टाइम बाकी है, उसके बाद मेरा कॉलेज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है दीदी मैं जाता हूँ, आप मन लगा के पढ़ाई करना ठीक है, बाय बाय। अरे वो रहा राहुल, अरे राहुल तुम कैसे हो, तुमने क्लास अटेंड नहीं किया आज? अरे पिंकी तुम आई नहीं थी इसलिए मेरा दिल नहीं लग रहा था क्लास में जाने का, इसलिए मैं क्लास में गया ही नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पिंकी क्या कहा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? मैं कितनी लकी हूँ राहुल जो तुम मुझे मिले। लकी तो मैं हूँ पिंकी, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी तो लाइफ ही बदल गई है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पिंकी, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। हाँ राहुल मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन राहुल तुम मेरे भाई से हमारे रिश्ते के लिए कब बात करोगे? पिंकी तुम टेंशन मत लो, सही समय आने पे मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा और फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे पिंकी। अरे वाह फिर तो बहुत ही अच्छा होगा, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है राहुल, जब उसे पता चलेगा कि मुझे इतना अच्छा लड़का मिला है तो वो भी बहुत खुश होगा। चलो राहुल हमारे दूसरे लेक्चर का समय हो रहा है, हम जाते हैं क्लास में। फ्रैंकल भैया अब तो पिंकी दीदी बहुत खुश रहती है, आपको पता है जब उनके मम्मी पापा गुजरे थे तो उन्होंने कॉलेज भी छोड़ दिया था, लेकिन अब वो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही है, मुझे तो उनको देख के बहुत ही खुशी होती है। अभी पिंकी दीदी अच्छे से पढ़ रही होगी ना फ्रैंकल भैया? हाँ शिनचैन पिंकी दीदी अच्छे से पढ़ रही होगी और पढ़ेगी भी क्यों ना शिनचैन, उसे तेरा जैसा भाई जो मिला है वो बहुत ही खुश नसीब है शिनचैन। अरे दीदी फटाफट चलो वरना आप कॉलेज के लिए लेट हो जाओगे, ये देखो सब लोग आ चुके हैं, दीदी फटाफट चलो। शिनचैन हम लेट नहीं होंगे, हम 15 मिनट पहले आ चुके हैं, अब एक काम करो तुम घर जाओ मैं चले जाऊंगी। शिनचैन क्या कहा, हम लोग 15 मिनट पहले आ चुके हैं? अरे मैंने तो टाइम देखा ही नहीं, मुझे तो लगा कि आप लेट हो गई हो। चलो ठीक है दीदी फिर मैं जाता हूँ, आप अपना ख्याल रखना ठीक है और मन लगा के पढ़ाई करना, बाय बाय। कैसे हो राहुल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पिंकी, पिंकी एक बात बताओ, ये तुम्हारा भाई तुम्हें रोज कॉलेज छोड़ने क्यों आता है? क्योंकि राहुल भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो मुझे रोज कॉलेज छोड़ने आते हैं। अच्छा ऐसा है। हाँ राहुल, और राहुल मैं क्या कह रही थी कि अब हम भैया को बता देते हैं हमारे बारे में कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, अब मुझसे रहा नहीं जाता। क्या कहा? अरे भाई तुम। हाँ मैं। दीदी आप पहले एक बात बताओ, अभी आप दोनों क्या कह रहे थे, आप एक दूसरे से प्यार करते हो, ये सब क्या चल रहा है? भाई मैं तुम्हें बताने वाली थी, ये राहुल है ये मेरी क्लास में ही पढ़ता है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी राहुल से बहुत प्यार करती हूँ और राहुल भी मुझसे बहुत प्यार करता है भाई, और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, प्लीज आप हम दोनों की शादी करा देना चाहे हम दोनों की कॉलेज खत्म हो जाए तो। अरे दीदी ये आप क्या कह रही हो, आप इस लड़के से प्यार करती हो, क्या ये सच बात है? हाँ भाई मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे उतना ही प्यार करता है भाई, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ओहो क्या तुम मेरी दीदी से सच में प्यार करते हो और उनसे शादी करना चाहते हो? हाँ मैं पिंकी से बहुत प्यार करता हूँ और पिंकी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, प्लीज तुम हमारी शादी करा दो। अरे ये क्या, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, लेकिन मेरी दीदी की खुशी में ही मेरी खुशी है, अगर मेरी दीदी तुमसे प्यार करती है तो फिर मैं वही करूँगा जो दीदी चाहती है, तो ठीक है जैसे ही आप दोनों का कॉलेज खत्म हो जाएगा मैं फ्रैंकल भैया से बात करके आप दोनों की शादी करा दूंगा। थैंक यू शिनचैन, थैंक यू सो मच, मुझे पता ही था मेरी खुशी के लिए तुम मान जाओगे। अरे दीदी आपकी खुशी में तो मेरी खुशी है, अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, अब चलो आप लोग क्लास में जाओ मैं भी घर पे जाता हूँ, ठीक है बाय बाय। अरे दीदी क्या हो गया, आपको कॉलेज नहीं जाना है क्या? शिनचैन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है इसलिए आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, तुम एक काम करो तुम कॉलेज जाओ और राहुल के पास से आज
आज के बुक्स लेके आ जाओ, मैं उसमें से ही घर पे ही पढ़ लूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी, अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है तो आप आराम करो, मैं जाके राहुल के पास से बुक्स लेके आता हूँ। अरे ये राहुल कहाँ पे है, मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं। अरे वो रहा राहुल, अरे पर वो दो लड़कियाँ कौन है उसके साथ, चलो मैं देखता हूँ। अरे ये क्या बात कर रहा है? देखा, मैंने चैलेंज जीत लिया, मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम दोनों के चैलेंज के मुताबिक मैंने पिंकी को पटा ही लिया और वो मेरे प्यार में पागल हो गई है, मुझसे शादी करना चाहती है। उसने तो अपने भाई से भी बात कर ली कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और उसके भाई ने हाँ भी बोल दिया। जब उस बिचारी को पता चलेगा कि मैं तो मजाक कर रहा था और ये डेर था, वो तो बिचारी पागल ही हो जाएगी, शक्ल देखने लायक होगी उसकी तो। तुमने तो कमाल कर दिया राहुल, मान गई तुम्हें तो। अरे ये क्या हो गया, ये राहुल तो दीदी के साथ प्यार का नाटक कर रहा था, अब ये बात दीदी को पता चलेगी तो दीदी तो एकदम दुखी हो जाएगी। इतने दिन बाद वो खुश रहने लगी थी, पर ये राहुल के चक्कर में अब वो वापस से दुखी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ, लेकिन ये बात दीदी को बतानी तो पड़ेगी, वरना पता नहीं वो कब तक ऐसे धोखे में रहेगी। दीदी मैं आपको सब कुछ बता के रहूंगा। अरे सिंचन तुम आ गए, सिंचन तुम बुक लेके आए राहुल के पास से? दीदी मुझे आपको कुछ बताना है, जब मैं कॉलेज गया ना तो मैं राहुल को बहुत ढूंढ रहा था, पर राहुल मुझे मिला नहीं। फिर एक कोने में राहुल मुझे मिला, वो किसी दो लड़के से बात कर रहा था और वो ये कह रहा था कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो तो आपसे प्यार करने का नाटक कर रहा था। वो दो लड़की ने उस राहुल को डर दिया था कि वो आपको पटाके दिखाए, और वही राहुल ने किया। राहुल आपसे प्यार नहीं करता दीदी, वो तो खाली आपके साथ नाटक कर रहा है। ये तुम क्या बोल रहे हो सिंचन, तुम झूठ बोल रहे हो ना, क्योंकि राहुल तो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकता, और तुम बोल रहे हो कि वो नाटक कर रहा है। सिंचन ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, राहुल मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। दीदी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद सुना है, वो बोल रहा था उन दोनों को कि वो आपसे प्यार का नाटक कर रहा था। दीदी प्लीज आप उससे दूर रहो, आप उसके साथ मत रहो दीदी, वरना आप वापस दुखी हो जाओगी, और मैं नहीं चाहता कि आप दुखी हो, आप उस राहुल से दूर रहो। बस सिंचन बहुत हो गया, अब मैं राहुल के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। मैं समझ गई हूँ सिंचन, तुम हमारी शादी नहीं कराना चाहते हो, इसलिए तुम ये झूठ बोल रहे हो ना। तो कोई बात नहीं सिंचन, मैं भी शादी करूंगी तो सिर्फ राहुल से ही करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। और सिंचन आइंदा से मैं तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगी सिंचन, तुम बहुत ही खराब हो, तुम मेरी खुशी नहीं चाहते हो सिंचन, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे दीदी ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, वो राहुल झूठ बोल रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, आप क्यों नहीं समझ रहे हो, प्लीज आप उससे दूर रहो, वो नाटक कर रहा है। बस चिंचन बहुत हो गया, तुमने बहुत बोल लिया राहुल के खिलाफ, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी सिंचन, तुम बहुत खराब हो। अरे दीदी मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी कसम वो राहुल नाटक कर रहा है, प्लीज अब मेरी बात का विश्वास करो दीदी, वो आपसे प्यार नहीं करता है, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, अगर आपको मुझसे बात नहीं करना है तो मत करो, लेकिन उस राहुल से दूर रहो दीदी। प्लीज दीदी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप उसके पास मत जाना, वो आपको फिर से दुखी कर देगा, और मैं नहीं चाहता कि आप फिर से दुखी हो, प्लीज दीदी आप उसके पास मत जाना, आप उससे दूर रहना। सिंचन आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अरे राहुल कहाँ पे है, मुझे राहुल से बात करनी होगी कि सिंचन ने मुझे ऐसा ऐसा कहा। अरे ये राहुल कहाँ चला गया, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ पे है। अरे वो रहा राहुल, पर वो वहाँ पे क्या कर रहा है? अरे राहुल तुम पिंक
पिंकी को कब बताओगे कि तुम उससे प्यार करने का नाटक कर रहे थे? बेचारे को कब तक धोखा देने वाले हो? अरे मैं तो उसे आज ही बता देता, पर वो आज कॉलेज आई नहीं, उसकी तबीयत खराब है ना। जैसे ही वो कल आएगी उसको बता दूंगा। अब बहुत हो गया नाटक, बेचारे को और परेशान नहीं करते। अरे ये क्या, सिंचन भाई तो बिल्कुल सही बोल रहे थे। ये राहुल तो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे नाटक कर रहा था प्यार का। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इस राहुल के लिए मेरे सिंचन भाई को क्या क्या कह दिया। सिंचन मुझे माफ कर दो, मैं माफी के भी काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। सिंचन इस राहुल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। राहुल जो भी तुमने बोला वो मैंने सुन लिया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राहुल मेरे साथ तुमने नाटक क्यों किया? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राहुल तुमने क्या कहा, तुमने सब सुन लिया? चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया। अरे वो देखो हुआ क्या था कि मेरे दोस्तों ने मुझे डेयर दिया था और वही डेयर मैंने कंप्लीट किया और तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया। मैं तुमसे कुछ प्यार व्यार नहीं करता हूँ, अब चलो निकलो यहाँ से। खबरदार, अगर तुमने मेरी दीदी को कुछ कहा तो एक तो उनसे प्यार करने का नाटक करते हो और उन्हीं पे रोब झाड़ते हो। रुको मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगी। जो तुमने मेरी दीदी के साथ किया है वो बहुत ही गलत है, अब पुलिस ही तुम्हें मजा चकाएगी। अरे सिंचन तुम यहाँ पे क्यों आ गए? क्योंकि दीदी मुझे पता ही था कि राहुल कुछ ऐसी हरकत करेगा और आपको चिल्लाएगा, इसलिए मैं आपका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया और मैंने देखा ये आप पे चिल्ला रहा है, इसलिए मैं सामने आ गया। दीदी अभी रुको मैं पुलिस को बुलाता हूँ, फिर इस राहुल को समझ में आएगा। नहीं सिंचन, रहने दो, पुलिस को मत बुलाओ। राहुल ने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा इसे भगवान जरूर देगा। सिंचन चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। देखा राहुल, जिसके साथ तुमने इतना गलत किया अब वही तुम्हें बचा रही है, तुम्हें तो खुश नसीब होना चाहिए। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, अब मेरी दीदी तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। चलो दीदी हम यहाँ से चलते हैं। सिंचन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सुनाया। सिंचन तुमने मुझे राहुल के बारे में बताया फिर भी मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया और मैंने तुम्हें भला बुरा कह दिया। सिंचन मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। सिंचन मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए दिल से सॉरी। सिंचन अरे दीदी आप क्यों सॉरी बोल रही हो, इसमें आपकी थोड़ी गलती है। आपको थोड़ी पता था कि वो राहुल गद्दार निकलेगा और वो आपके साथ प्यार का नाटक करेगा। दीदी आप सॉरी मत बोलो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, अब जाने दो, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। सिंचन मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा भाई मिला। सिंचन मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। सिंचन मैं बहुत ही नसीब वाली हूँ कि मुझे तुम जैसा भाई मिला। अरे दीदी नसीब वाला तो मैं भी हूँ कि मुझे भी तुम जैसी बहन मिली। आप भी कितने अच्छे हो, वो तो बस थोड़ी गलत फहमी हो गई थी इसलिए ऐसा हुआ ना, वरना ऐसा भी नहीं होता। चलो दीदी अब हम दोनों घर पे चलते हैं। हाँ सिंचन चलो। तो दोस्तों आखिर में सब कुछ ठीक हो ही गया, राहुल की पोल भी खुली गई और दीदी के सामने उसका सच आ गया। वरना पता नहीं राहुल और कितने दिन झूठ बोलता और दीदी उसके साथ में रहती। जो भी हुआ अच्छा हुआ, पता नहीं राहुल जैसे और कितने लड़के होंगे जो लड़कियों को अपने झूठे प्यार में फंसाते हैं और उन्हें झूठा वादा करते हैं। तो सभी भाइयों से मेरी एक ही विनती है कि वो अपनी बहनों की सुरक्षा करें और ऐसे लड़कों से उन्हें बचाएं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों अगर आप अपनी बहनों से प्यार करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और अपनी बहन का नाम लिख देना। और हाँ, बहन भी अगर अपने भाई से प्यार करती हो तो वो भी अपने भाई का नाम ज़रूर लिखे। तो बस हम फिर मिलेंगे हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।